उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के केशवपुर सरपताहा गांव में मैं एक महीना पहले वीडियो बनाई थी जिसमें दो साल से महिलाओं को काम नहीं मिल रहा था। मैं लोग के काम नहीं देती, बोला कि तुम लोग महिला हो, पुरुष का संघर्ष न कर सकू, जितना पुरुष काम करी हो उतना औरतें काम न कर सकें, इसलिए हमें लोग के वापस कर देते। हसे सब जने बैठा है, पुरुष के काम ज़्यादा मिला था, महिला काम नहीं मिला, सब पुरुष के मिला हुआ है, दस पाँच औरतन के मिला था, उन सब छाँट के औरतें हटाई जातीन कि तू लोग काम ना कर सकब। दिन साल से बैठी है, जब काम बड़े जाई थे तब फेर देते हैं प्रधान जी, दस पाँच के काम दही और दस पाँच सबके फेर देते हैं। यहाँ आने पर सभी महिलाओं ने अपनी समस्या बताई कि हमें दो साल से नरेगा में काम नहीं मिल रहा है। तब मैंने इन महिलाओं का मीटिंग किया, मीटिंग करके उसके बाद इनका वीडियो बनाया। यहाँ के जो रोजगार सेवक है उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम यहाँ किसी महिला से साइन मत कराओ और ना तो यहाँ से कोई भी कागज़ कहीं पे भेजो। सभी महिलाएं उनके कहने पे किसी ने साइन नहीं किया। आज मैंने फिर सभी महिलाओं को इकट्ठा की, सभी महिलाएँ तैयार हुई कि हम लोग काम करना चाहते हैं, हम काम करेंगे, मैडम आप हम लोग का साइन लीजिए। आई है सब मीटिंग के हैं कामे बदे और साइन आज भर है, अगर काम न रही तो हम लोग ब्लॉक पर जाओ, वीडियो साहब के लगे जाओ, दरखास्त दे, अगर काम न देगी और ना ही तो रोजगारी सप्ताह में सब को मिले जाए, हम लोग कैसे खाई कैसे जी। आप लोग के कैसे काम मिला? दीदी हम लोग केसा देवी आए गाँव में तो हम लोग वीडियो बनाई काम के लिए, हमें लोग के दो साल काम नहीं मिला, तो एक वजह से हम सब गए गांव सेवक लगे, गांव सेवक लगे गए तब वो एप्लीकेशन दे लगे नहीं लें तो हमें सबको प्रधान बुलाए कि काम हमें सबको दे। अब आप लोग क्या करते हैं? हम लोग आवा है अपन नरेगा खटक। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व एकजुट करके इस समस्या पर बदलाव ला पाई। अब इस गांव के लोग बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरे वीडियो के माध्यम से इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाया। मैं केशा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।